आज आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार से अपील की कि हम पिछले जो लंबे समय से अपना ऑक्सीजन जांच अभियान चला रहे हैं, घर घर जा रहे हैं लोगों के बीच में, साथ ही एक शोध की टीम है जिसमें मैं लंबे समय से जुड़ा रहा हूं, लेख भी लिखा है मैंने, तो शहरी गरीबों के विषय में मैं लगातार रिसर्च भी करता रहा हूं। तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ते हुए हमने एक ये राइट टू वर्क, अर्बन राइट टू वर्क एक्ट, ड्राफ्ट एक्ट बनाया है। इसकी समरी हिंदी में ये है। तो इस एक्ट को लागू करने को सरकार से हमने मांग की है कि शहरी गरीबों के लिए ये कानून पारित किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जगह जगह लोग आंदोलन करते दिखते हैं, जगह जगह लोग अपने जो बुनियादी सवाल हैं उनको उठाते हुए दिख रहे हैं रोजगार को लेकर। तो ऐसी स्थिति में सरकार का भी मानना है कि उनके 48 रोजगार कार्यालयों में 28 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं जो बेरोजगार हैं। साथ ही सरकार ने ये भी माना कि जो शहरी क्षेत्रों में चाहे उद्योग लगे हों, चाहे दुकानें हों, चाहे कोई इंस्टीट्यूट चल रहे हों, बंद होने से कई तमाम लोग बेरोजगार हुए हैं। साथ ही सरकार का ये भी मानना है कि 7.5 लाख से ज़्यादा लोग जो मध्य प्रदेश के बाहर काम करते थे वो वापस आए हैं। तो ये तमाम संख्या बड़ी संख्या हो गई है, और घरों में किसी के यहाँ चले जाइए, लोग अपने बच्चों का पेट पालने में बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि आप शहरी रोजगार गारंटी कानून पारित करिए। ये कानून, ये प्रावधान खाली ऐसे ही नहीं बना है, लंबे शोध के बाद बना है। देश के तमाम शहरों में हम गए हैं, बात किए हैं, वर्कशॉप किए हैं, उसके बाद ये कानून बना है। इस कानून में तीन तरह की बातें उभर के सामने आ रही हैं। पहली चीज़, जो रोजगार है वो तीन तरह के हैं शहरों में। पहला है कि जिसको मासिक वेतन मिलती है। दूसरा है जो अर्ध रोजगार है, आपको लेबर चौक पे मिल जाएंगे, कभी कभी कोई मालिक होता है। तीसरा है स्वरोजगार वाले लोग, जो अपना कुछ ठेला चलाते हैं, कुछ काम करते हैं, ऐसे लोग हैं। इनकी तीन तरह की समस्याएं हैं। वो समस्या क्या है कि उनको उनके काम की पहचान नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, कोई पहचान नहीं, कानूनी पहचान वो चाहिए। दूसरा, उनके काम के स्थान की भी पहचान नहीं है, काम का स्थान क्या होगा वो भी चाहिए। तीसरी चीज़, जो स्वरोजगार कर रहे हैं लोग या अन्य लोग हैं, उनको कम सही दरों पर ऋण चाहिए ताकि वो अपना रोजगार ठीक से चलाते रहें। ये इस तरीके के प्रावधानों के साथ साथ इसमें ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे अपने शहरी क्षेत्रों में रोजगार देता है, इंग्लैंड कैसे देता है, USA कैसे देता है, ये सारे प्रावधान हैं। तो सरकार से आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि लोगों को कम ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून जैसा गांवों के लिए बना है, शहरों में ऐसा कानून बनाइए और लोगों को कम से कम 300 दिन का रोजगार दीजिए। और उस रोजगार का जो दाम है वो दाम न्यूनतम मजदूरी नहीं बल्कि लिविंग वेज दीजिए, जो 15वें श्रम सम्मेलन से निकला 1957 में, और जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने भी माना कि ये मिनिमम वेज की जगह लिविंग वेज देने की ज़रूरत है। तो इस मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज ये प्रेस वार्ता आयोजित करी थी।